हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल, वेलकम वन सेकंड टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसा वाला सब्सक्राइब बटन आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए कैसे बनाएंगे, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके फॉलो भी कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन भी हो तो आप वहां मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कैनवा ऐप ओपन कर लेना है। कैनवा ऐप के बारे में तो आपको पता ही होगा, प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, पीछे से कोई आवाज़ आती हो तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। सो पीछे से कोई आवाज़ आ सकती है उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ओके, सो कैनवा ऐप में जैसे आएंगे आपको इस क्रिएट डिज़ाइन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद में सिंपली यहाँ से कोई भी आपको ले लेना है। ओके, जैसे मैं मान लीजिए एक थंबनेल ही ले लेता हूँ। ओके, यूट्यूब थंबनेल लेने के बाद में सिंपली आपको इस गैलरी पे जाना है। गैलरी पे जाने के बाद में यहाँ से वीडियोस पे जाना है, डाउनलोड करके रखा है उसे ओपन कर लेना है। लाइक ये, ओके। उसके बाद में इसे यहाँ से हम ऐसे बड़ा कर देंगे, बड़ा नहीं भी करेंगे तो चलेगा, आप इसे ऐसे ही रहने दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे अपने चैनल का लोगो। ओके, उसके बाद फिर हम यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे आपने अपना चैनल का लोगो डाउनलोड करके रखा है। यहाँ पे हम इसे ऐसे सेट कर देंगे। ओके, यहाँ पे ऐसे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद में जाएंगे इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में यहाँ से कोई भी फॉन्ट आप ले लीजिएगा आपको जो पसंद हो। ओके, मैं सिंपली इसे ले लेता हूँ। लेने के बाद में इस ऊपर वाले को यहाँ पे क्लिक करके, डिलीट पे क्लिक करके, डिलीट एलिमेंट पे क्लिक करके इस ऊपर वाले को हटा देता हूँ। डिलीट पे क्लिक करूँगा, करने के बाद में डिलीट एलिमेंट पे जाऊंगा। ओके, उसके बाद में इसे भी यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। करने के बाद में यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। लिखने के बाद में इसे मैं यहाँ से ऐसा बड़ा कर देता हूँ। आपको अपने हिसाब से सेटिंग कर लेना है। ओके, सेटिंग कर इसको ऐसे सेट कर लेना है। यहाँ पे चाहे तो आप अपने नाम पे कलर ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर में तो यहाँ पे कलर भी चेक कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, सो मैं इसे ब्लैक ही रहने देता हूँ क्योंकि ये ब्लैक अच्छा लगता है। आपने देखा होगा मेरे चैनल पर जब सब्सक्राइब बटन पॉपअप होता है तो वो ब्लैक ही है। उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करके ऊपर में डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप सिंपल इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, अपने जितने भी यूट्यूब वीडियोस है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्रोमा की के बारे में तो पता ही होगा, वहाँ पे आप क्रोमा की मदद से आपको ये ग्रीन वाला ऑप्शन हटाने का वहाँ पर ऑप्शन रहता है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो जाके वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर है कि क्रोमा की मदद से आप ये बैकग्राउंड, ग्रीन वाला बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। सो ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन है आप तक अपलोड करते ही पहुंचते रहे। सो दिस इज मुनू रेसा का टेक्निकल ट्रैक चेकिंग आउट। मिलता हूँ नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में।